कि हम तो काले गुरुटे हैं, काले गुरुटे की कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा भैया। तो हम डाटा घी खाते हैं, एपी सिंह वाली बात है, देसी घी है, सीमा तो देसी घी है, कोई भी खा लो, एक तो हम डाटा घी खाएंगे, एक हम देसी घी खाएंगे। हम तो डाटा घी है, सीमा तो देसी घी, एपी सिंह लाल नाम मर तो छक्का किन्नर, वो एपी सिंह इतना ही मदद करने वाला है। तो हमारे जैसी इंडिया में बहुत सारे दिन को सैया, रात को दिन को भैया, रात को सैया, तो वो ही रखती है। दिन को तो एपी सिंह को भैया मना लेती है, शाम को सैया मना लेती है, रात पे चारपाई पे, दिन पे कुर्सी पे। तो इनका यही काम है भैया, और काम नहीं है। सीमा इधर को तो हमारे आपके जिसम की कमाई खाने की आदत पड़ रही है, वो तो पाकिस्तान में भी ऐसी करती थी, वो ऐसे ऐसे ठुमके लगा रही है, वो पैसे पकड़ रही है, और वो किसी के साथ लंगवाड़ा के साथ में नच रही है। अच्छी महिला का काम ये नहीं होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। दोस्तों साथियों, सीमा अब रोएगी हाथ पकड़कर, गुलाम हैदर साहब आएंगे अब भारत को, आ गई सीमा भगोड़ी के लिए बहुत बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी सीमा अय्याश औरत के बारे में और गुलाम हैदर साहब और लप्पू सचिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको बहुत बड़ा और आंखें खोल देने वाला वीडियो दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद इस नापाक सीमा अय्याश औरत का असली चेहरा आप सबके सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जैसा कि आप सबको ये बात पता चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दोस्तों कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि गुलाम हैदर साहब पाकिस्तान आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सीमा को सपोर्ट करते हैं, ये उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि ये सीमा बहुत जल्द अब जेल के अंदर जाने वाली है और चारों बच्चे गुलाम हैदर साहब के पास पाकिस्तान को जाएगी। तो अब जीतेंगे गुलाम हैदर साहब। दोस्तों अब गुलाम हैदर साहब अपने वकील से मिलने जाएगी पाकिस्तान के एम्बेसी को, वहां जाकर कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये सीमा भगोड़ी हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेगी। दोस्तों अब ये बात भी बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि गुलाम हैदर साहब अब बहुत जल्द भारत को आएंगे। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि लप्पू सचिन एक बेरोजगार है जो अब इस अय्याश औरत की यूट्यूब की कमाई पर पल रहा है, और इस सचिन के पूरे परिवार ने ये अपना धंधा बना लिया है। मगर दोस्तों अब ये नापाक सीमा हमारे देश में नहीं रहेगी। मुझे तो लगता है ये नापाक औरत यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए ही हमारे भारत देश में आई है, ताकि उसके वीडियो लोग बहुत देखें और उससे इसकी कमाई हो। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान का गंदा कूड़ा हमारे देश में रहे, क्योंकि दोस्तों जब से ये नापाक सीमा हमारे देश में आई है, तब से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये कोई अच्छी औरत नहीं है, ये पाकिस्तान में भी कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके आई है, और यहाँ गुलाम हैदर साहब के चारों बच्चों को लाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। इस लप्पू सचिन के साथ सबके सामने अय्याशी कर रही है। लेकिन दोस्तों अब इस सीमा को यहाँ नहीं रहने देगी, हम गुलाम हैदर साहब के साथ मिलकर इस नापाक औरत सीमा को सज़ा दिलाकर ही रहेगी। चारों बच्चों को गुलाम हैदर साहब के पास भेजेंगे पाकिस्तान को। दोस्तों आज मैं आपको अभी बहुत ही बड़ा धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको गुलाम हैदर साहब की पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। मेरी बात सुनो भैया, ये बात कहो, अबे मेरे को कोई सिखाएगा ना तो मैं भी बोल दूंगी, भाई ये इतनी तारीख का दादाजी का जन्मदिन है, इतनी तारीख का सचिन का जन्मदिन है, इतनी तारीख का मम्मी का जन्मदिन है, इतनी तारीख का पापा का जन्मदिन है, ये मतलब बात सिखाई जा रही है उसको। क्योंकि हमें पता है जो हम कोई काम करते हैं तो हमारे से कोई बुरा काम हो जाता है, तो हमें भी सिखाते हैं लोग, भाई तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना, तुम ऐसे बोलना। इतनी जानकारी उसे नहीं है, जो मतलब सात समुद्र पार करके आई है वो, इतनी जानकारी उसे नहीं है। उसको जानकारी दी गई है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, एक एक पॉइंट उसको सिखाया गया है, यहाँ पे तुझे ये बोलना है, यहाँ पे तुझे ये बोलना है, यहाँ पे तुझे ऐसे बोलना है, यहाँ पे तुझे ऐसे बोलना है। अच्छा हम इंडिया की, यहाँ मैं इंडिया की भैया, मैं मुझे मुझे साड़ी नहीं बननी आती, सच्ची बताती हूँ आपको, मुझे साड़ी नहीं बननी है, उसको साड़ी बननी आती है। और जो हमारे जो देवी देवते हैं इनके बारे में इतनी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम भाई दो पूजा करते हैं, लेकिन खाली हम तो हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, बस फरी हो जाती है, आगे हमें नहीं पता मतलब देवी देवता की पूजा कैसी होती है। उसने हमारे देवी देवता के बारे में सब बातों के बारे में पता है, क्यों पता है, उसको सिखाया जा रहा है।
उसको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं आपकी बात समझती हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की भी साजिश है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का कोई आदमी रला हुआ है, इसीलिए वो मतलब पाकिस्तान से आता है तो उससे कोई हाथ मिला हुआ है, उनकी बात होती है तभी कोई आगे बढ़ता है। ऐसे मैं आपके पाकिस्तान में आके दिखा दूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं देगा। एपी सिंह की तो सभी तो लुगाई है, सभी बहन है, वो किसी को लुगाई बना लेता, किसी को बहन बना लेता, किसी को माता बना लेता। एपी सिंह लाल नामर्द छक्का किन्नर है वो। एपी सिंह इतना ही मदद करने वाला है तो हमारी जैसी इंडिया में बहुत सारी औरत है जो मतलब घर से बेघर हो रही है, उनके पास खाना नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। एपी सिंह इतनी मदद करने वाला होता ना तो हमारी इंडिया की औरत की मदद करता। एपी सिंह की वहां बहादुरी थी, पाकिस्तान से आई हुई की औरत की मदद कर रहा है वो कोई बहादुरी नहीं है, वो तो नामर्दगी का काम है, नामर्दगी का काम है। वो सिस्टर कहती है ना, वो एक सिस्टर और है जो उसके खिलाफ में वीडियो बनाता है, उसका नाम भूल गई मैं, मुस्कान, मुस्कान सिस्टर। हाँ मुस्कान, मुस्कान सिस्टर कहती है ना, दिन को सैया रात नहीं, रात को दिन को भैया और रात को सैया, तो वो ही रखती है। दिन को तो एपी सिंह को भैया मना लेती है, शाम को सैया मना लेती है। वो सिस्टर एक और भी कहती है, मुस्कान सिस्टर रात पे चारपाई पे, दिन पे कुर्सी पे। तो इनका यही काम है भैया, और काम नहीं है। क्योंकि मेरी बात सुनो, आप मेरी वीडियो देखना पहले, मेरे साथ में ना इतना बुरा मना था, इतना बुरा मना था, कोई अंत नहीं था। मैं बिल्कुल रोड पे आ गई थी, मैं रोड पे सोती थी, और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और खाने के लिए खाना नहीं था। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के सब इंडिया वालों को ये बोला, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद। मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी। लेकिन मैंने फिर क्या सोचा, मरना तो है ही, लेकिन सच का सामना करके फिर मरेंगे। ऐसे झूठा तो नहीं मरेंगे, ऐसे झूठा धब्बा लगा के तो नहीं मरेंगे, लेकिन मरना है, सच का सामना करके मरेंगे। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत अकेले दिन बनाए रखी, मेरी किसी ने भी इंडिया वाले ने मदद नहीं की, किसी ने भी। ऐसे इंडिया वाले इतने अच्छे हैं, तो मेरे भी भाई नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे भाभी भी नहीं है, मेरी मम्मी भी नहीं है। एक पापा है मेरा, हमेशा बीमार रहता है, 24 घंटा बीमार रहता है, हमें उसको 24 घंटा मेडिकल में रखना पड़ता है, सांस की हार्ट अटैक की बीमारी है मेरे पापा को। इसने इतनी मदद करने वाले है ना ये इंडिया वाले, तो मेरी मदद करो, तब मैं जानूंगी हाँ हमारे इंडिया वाले के दिल में मतलब भाई कहीं ना कहीं भावना है। सीमा हैदर की क्यों मदद करें, उसकी गोरी गोरी चिकनी चिकनी खाल दिख रही है ना, तब मदद करें, हमारी मदद नहीं करें। क्योंकि हम तो काले कलूटे, काले कलूटे की कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा भैया। तो हम डाटा के खाते हैं, एपी सिंह वाली बात है, देसी घी है, सीमा तो देसी घी है, कोई भी खा लो, एक तो हम डालडा घी खाएंगे, एक हम देसी घी खाएंगे। हम तो डालडा घी है, सीमा तो देसी घी है, सीमा तो वो है, वो भावना हमारे अंदर तो है नहीं। हम तो भूखे रह सकते हैं भाई, हम तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम हमारे जिस्म की कमाई नहीं खाएंगे। सीमा इधर को तो हमारे आपके जिस्म की कमाई खाने की आदत पड़ रही है, वो तो पाकिस्तान में भी ऐसे करती थी, वो ऐसे ऐसे ठुमके लगा रही है, वो पैसे पकड़ रही है, और वो किसी के साथ लंगवाड़ा के साथ में नच रही है। अच्छी महिला का काम ये नहीं होता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करती होती हो। एपी सिंह इतना भगवान होता ना, इतना अच्छा इंसान होता तो मैं अब भी यही कर रही हूँ, हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो घर से बेघर है। अब तो मैं पापा के पास में आई हूँ, क्योंकि पापा की तबीयत खराब है। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो देख कर गुलाम हैदर साहब के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, और इस सीमा केस के बारे में भी सब कुछ जान चुके होंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।